अक्षय तृतीया के सात चमत्कारी उपाय अवसर ना चूके जरूर आजमाएं। अक्षय तृतीया के दिन माँ रेणुका के गर्भ से विष्णु के अवतार भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। चूंकि वह चिरंजीवी हैं, इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर कई उपाय आजमाए जाते हैं। पढ़ें यह सात सटीक उपाय जो हर संकट से बचाएं। नंबर एक, अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीज़ें खरीदी जाती हैं, इससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं, इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहां लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहां अभाव नहीं रहता है। नंबर दो, अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियाँ समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। नंबर तीन, अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। नंबर चार, अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर पाँच, इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड़ाऊँ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। नंबर छः, इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। नंबर सात, अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रिद्धि, वृद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, अतः इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमेशा स्वस्थ और खुश रहें, और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।